तो देखिए फिलहाल हम गुजरात के हलोल में बड़ौदा के पास, और यहाँ पर जो बहन जी बैठी हैं इनको काफ़ी साल से पैरालिसिस, शुगर, किडनी से संबंधित बहुत सी जो है तकलीफें हैं। और आज वैद्य सुनील जी यहाँ स्पेशल हरियाणा से चल के और यहाँ आए हैं इलाज करने के लिए इनका। और पहला एक्यूप्रेशर सिर्फ एक मिनट का इनको दिया हाथ में, और इस हाथ से कुछ नहीं उठाया जा रहा था कभी भी, इस हाथ से, दाहिने हाथ से। और मैं पूछता हूँ भाई, देखिए जी सर, आपकी पत्नी हैं, आप अपना नाम बताइए। पीयूष भाई सेठ। पीयूष जी हैं, सेठ जी हैं। और कितने साल से हैं, कितने दिन से तकलीफ है? करीबन 11 साल से। 11 साल से। हाँ तो सर काफ़ी खर्चा लग गया होगा। हाँ लगभग कितना लगा दिया इसके ऊपर? 450 लाख। 450 लाख, यानी कि 4.25 करोड़ रुपया लगा चुके हैं आप। जी जी जी। और अब इस हाथ से पहले कभी कुछ उठाती थी? ऐसे मुझे तो नहीं लगता है उठाया होगा। अच्छा, आज पहली दफे। अच्छा ये देखिए, दाल में से कंकर चुग रही हैं, मूंग में से, और ये देखिए चुग रही हैं यार, उंगलियों से उठा रही हैं, बारीक से बारीक होता है भाई मूंग का दाना, और वो अपने हाथ से उठा रही हैं। और पानी का जो गिलास भरा हुआ पहली बार इन्होंने उठा के खुद पिया है इस हाथ से। वैसे डाल दो इस हाथ से। हाँ ये देखिए पानी डाल रहे हैं, दोबारा फिर डाल रहे हैं, अभी मेरे सामने पिया था, अब देखिए उस हाथ से। यहाँ पे रखो, यहाँ पे, यहाँ से उठा। पीना मत, वैसे उठाओ इनको, उठा लो वैसे ही, पीना मत। हाँ वैसे उठा के दिखाओ। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये मुंह तक ले गई, देखिए बिल्कुल। तो ये सच्चाई है। और ये मैं इनके साथ गुजरात में, अब तो सेठ जी हमारे मित्र हो चुके हैं, पहली बार गए दिल्ली में, जाते ही कि आज ही चलना है, फ्लाइट का टिकट बुक किया और यहाँ तक पहुँचे। और ये बहन जी जो हैं काफ़ी साल से बिस्तर पे हैं, और पहली बार इनको एहसास हुआ अपने हाथ से भी कुछ खा सकती हूँ। अब ये रोटी है, इस रोटी को तोड़ के देख रहे हैं, रोटी कैसे उठा रही नहीं है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल, ये रोटी तोड़ दी और ये मुंह तक चली गई। ये देखिए इस हाथ से कुछ भी नहीं खा पिया जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, पैरालिसिस पे बिस्तर पे काफ़ी सालों से। 4.25 करोड़, 450 लाख रुपया किसको कहते हैं, इनके ऊपर लगा चुके हैं ये, और अभी तक कोई आराम नहीं था, लेकिन आज पहली बार एक मिनट के एक्यूप्रेशर से ही ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे पीयूष सर आप? नहीं अच्छा लगता है, बाबा की कृपा है, उनकी कृपा से होता है सब। सही बात है, डॉक्टर साहब जो बोलते हैं वैद्य जी, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ तो सर क्या लगता है आपको, ये कितने दिन में लगभग ठीक हो जाएगी? हो जाएंगे, 5-4 बार एक्यूप्रेशर देने से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे पहले की तरह। अच्छा, पैर भी हाथ भी बिल्कुल सही हो जाएंगे? आपने चेक कर लिया इनको? हाँ हाँ हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा है। और ये देखिए अपने हाथ से रोटियां तोड़ के खा रही हैं, जो पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है इनको, कैसा लग रहा है? हाँ जी अच्छा। एक बार बाबा का जयकारा बोल दो अच्छी तरीके से। जय। ये देखिए उसी हाथ से नींबू निचोड़ रही हैं, इसमें है नहीं। ये देखिए जिस हाथ से कुछ उठ भी नहीं सकता था, कुछ उठा नहीं सकती थी, उसी से छोटा सा नींबू, बिल्कुल छोटा सा नींबू निचोड़ रही है, बड़ा तो फिर भी सोचे, मूंग के दाने उठा रहे थे, और अब उस हाथ से देखिए नींबू। ये देखिए नींबू, नींबू निचोड़ रही है, देखिए इसमें है ही नहीं, रसी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। चलो निचोड़ तो दिया ना, दर्शन अंदर भी ले गए नींबू, आपसे इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी है ना। हाँ। तो पूरा हो गया, लेकिन उसमें रसे नहीं है तो क्या करें, अभी दूसरा नींबू घर से ला के उस ठंडे पानी की है। देखिए हम फिलहाल गुजरात के हलोल में, और हलोल बहुत मुख्य शहर है, और यहाँ पर वैद्य सुनील जी और पीयूष भाई साहब जो हैं यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और उन्हीं की मिसिज हैं ये। नाम क्या है जी आपका? हाँ जी शोभना बहन। शोभना, शोभना बहन है नाम है इनका, और ये काफ़ी सालों से बिस्तर पे हैं, और आज रात को ही यहाँ पहुँचे हैं वैद्य सुनील जी और हम। और आते ही इन्होंने जो किया, मात्र 30 सेकंड में जो काम किया हाथ में,
क्या जादू है क्या किया है, लेकिन उसी आग से मूंग का दाना भी उठाया है और नींबू निचोड़ दिया है, अपने हाथ से रोटी तोड़ के खा लिया है, जिस हाथ से कुछ भी नहीं उठता था, ऊपर भी नहीं उठता था, तो ये देखने वाली बात है, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। कहते हैं कि किसी न किसी भगवान का, किसी न किसी बड़े का आशीर्वाद होता है, वैद्य सुनील जी के भगवान श्री श्याम जी का आशीर्वाद है और उन्हीं का आशीर्वाद मानते हैं। तो देखिए इतना बड़ा तो ये हो गया है ये चीज, मतलब हाथ देखिए अपने आप हाथ से अब ये पोहा जो है खाएंगे, हाँ पोहा बनाया है हम सब, सबके हाथों में पोहा है और ये जो अपने आप से देखिए चम्मच उठा रखी है और ये चम्मच उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए साथ में आया हूँ और अब तो एक मित्रता हो गया, आना जाना लगे रहेगा, हलोल हमारे घर जैसा हो गया है और पीयूष भाई साहब बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, भगवान करे जल्दी ही इनकी मिसिस ठीक हो जाए और फिर एक दिन फिर दिखाएंगे आपको इनके साथ इस जोड़ी को, ये दोनों साथ होंगे और आपको बहुत जल्द इतना स्नेह और प्यार है आपस में इनका कि एक सेकंड ही इनसे दूर नहीं हो सकते, भगवान इनका प्यार बनाए रखे। और देखते हैं पैरों के ईसा और करते हैं ये, तो सुनील जी के एक चमत्कार देखते हैं हम, क्या देखते हैं लोक प्रसाद हरियाणा। मौसम खराब है, ऊपर ले जाओ बादल से बदल चले जाएंगे। Thank you.
Thank you.